अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं रिजवान लतीफ़ और आप देख रहे हैं गार्डनिंग पैराडाइज़ यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जो स्क्रीन पे आपको फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, ये हैं पिटूनिया के। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास पेटूनिया के फ्लावर्स ये पिछले समर से हैं। फर्स्ट टाइम मैंने इनको अपने गार्डन में ग्रो किया। मैंने ये पेटूनिया के जो फ्लावर्स हैं, जो प्लांट्स हैं, इनको सीड्स के थ्रू ग्रो किया। मैंने ऑनलाइन सीड्स परचेज़ किए थे ये, और मैंने बहुत सारे इनसे सीड्स कलेक्ट किए। जब ये सीड्स इनके प्रिपेयर हो गए तो मैंने वो सीड्स इनसे कलेक्ट किए। ये जो जितने प्लांट्स आपको इस पूरी क्यारी में यहाँ पे, इतने बड़े बड़े ये प्लांट्स हैं, ये जो ग्रो की हुई आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने इनकी सीडलिंग यहाँ पे नहीं की थी। एक्चुअली मेरे पास एक और क्यारी में ये प्लांट मौजूद थे, वहाँ से ये सीड्स खुद ब खुद ट्रैवल करके यहाँ पर आ गए, और इन तमाम अब मेरे पास जो ये यहाँ पे क्यारियाँ मौजूद हैं, इनके अंदर ये फ्लावर्स मौजूद हैं। तो इन प्लांट्स पे जो मेरे पास मौजूद हैं, इनमें जो कलर्स हैं वो एक तो वाइट है, प्योर वाइट, ये मेरे पास एक पर्पल कलर है, ये लाइट पर्पल जिसमें वाइट वेरिएशन है इसकी। तो इंतहाई बड़े बड़े इनके फ्लावर्स हैं। ये बेसिकली हैंगिंग फॉर्म में होते हैं कि अगर आप इनको हैंगिंग पॉट में लगाएं तो ये इंतहाई खूबसूरत होते हैं। तो ये देखें, लाइट पर्पल है कलर इसका। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखें, ये सारी क्यारी जो है इन्हीं से भरी हुई है, ये पिटूनिया के प्लांट से। तो अभी सितंबर का महीना चल रहा है, मिड सितंबर है, और ये आप देख सकते हैं कि सर्दियों में भी ये फ्लावर्स जो हैं इन प्लांट्स पे मौजूद हैं। अब हुआ ऐसा कि मैंने समर के लिए ये सीडलिंग की थी फरवरी में, तो वो समर में फ्लावर्स जो हैं इसी तरीके से प्लांट्स हुई है, और उनमें से सीड्स यहाँ पे खुद ब खुद कहीं फैल गए। उसके बाद ये खुद ब खुद ग्रो हो गए, और अब विंटर में भी ये हमें फ्लावर दे रहे हैं। तो बेसिकली जो पिटूनिया के फ्लावर्स होते हैं या जो प्लांट्स हैं, ये दो दफ़ा ग्रो करते हैं, एक दफ़ा विंटर में और दोबारा समर में। तो हम साल में दो दफ़ा इनको लगा सकते हैं और इनके प्लांट से जो फ्लावर्स हैं वो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये पिटूनिया के बारे में मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की आपको आने वाले वक्त में फ्लावर्स के मुतालिक और गार्डनिंग के मुतालिक वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।